Hello dear students, in this lecture we will discuss about blood pressure. आज के लेक्चर में हम blood pressure को discuss करेंगे. सबसे पहले definition. What is blood pressure? Blood pressure is the pressure of circulating blood against the walls of blood vessel. तो dear student, blood pressure force है blood का, pressure है blood का जो कि हमारे blood vessels पे apply कर दिया जाता है. और डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लड प्रेशर का टर्म है वो एक्चुअली प्रेशर हम आर्टरी से नोट करते हैं. द टर्म ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर इन लार्ज आर्टरीज. डियर स्टूडेंट्स, हमने हार्ट बीट कार्डियक साइकिल पहले ही पढ़ लिया है. ईच हार्ट बीट फोर्सेस ब्लड इन आर्टरीज. जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है, सिस्टोले में आता है, तो पल्मोनरी आर्टरीज और सिस्टमिक एरोटा जो कि लार्जर आर्टरीज हैं उसमें ब्लड को पंप कर दिया जाता है. तो वहाँ पे हमारे आर्टरीज पे फोर्स अप्लाई होता है जिसको आप और हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं. सो द ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज. तो डियर स्टूडेंट्स, जब कार्डियक साइकिल में हमारा हार्ट पंप करता है, कंट्रैक्ट करता है, सिस्टोले में आता है, तो वेंट्रिकल से ब्लड लार्जर आर्टरीज में चला जाता है. वहाँ से ब्लड प्रेशर का जो फोर्स है वो हम नोट करते हैं आर्टरीज से. द प्रेशर इन आर्टरीज इंक्रीजेस व्हेन द हार्ट इज कंट्रैक्टिंग. जब हमारे हार्ट के दो निचले वाले चेम्बर्स वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड आर्टरीज में चला जाता है. उस वक्त आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. एंड द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस वाइल द हार्ट इज रिलैक्सिंग. जब हमारे हार्ट के दो निचले वाले चेम्बर्स वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं और एट्रिया में फिलिंग होता है ब्लड का, तो उस वक्त हमारे आर्टरीज में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायास्टोलिक प्रेशर. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर? Systolic pressure refers to the pressure inside your arteries when your heart is pumping. जब हमारा हार्ट पंप कर रहा होता है, सिस्टोले में कंट्रैक्ट कर रहा होता है, तो इस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं. Then what do you mean by diastolic pressure? Diastolic pressure is the pressure inside your arteries when your heart is resting between the beats. तो dear student, जब हमारा हार्ट पंप करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो उससे जो आर्टरीज में प्रेशर डेवलप होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. और जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, एट्रिया फिलअप हो जाते हैं, तो रिलैक्सेशन के दौरान जो प्रेशर नोट किया जाता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं. नाउ मेजरिंग द ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर. तो ब्लड प्रेशर को नोट किया जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर से. दिस इज द डायग्राम शोइंग स्फाइग्मोमैनोमीटर. इसमें मरकरी के यूनिट्स में ब्लड प्रेशर को नोट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है. मरकरी टाइप ऑफ स्फाइग्मोमैनोमीटर. उसमें डियर स्टूडेंट्स, एक रबर का पंप होता है, एक वाल्व होता है एयर वाल्व, एक कफ होता है और एक ट्यूब होता है ट्यूबिंग, और यहाँ पे रीडिंग नोट की जाती है मैनोमीटर में. Blood pressure is measured in millimeters of mercury. Dear students, blood pressure is measured in millimeters of mercury, mmHg, and recorded with the systolic number first, followed by diastolic number. तो पहले डॉक्टर जो हमारा ब्लड प्रेशर का पहला नंबर नोट करता है वो सिस्टोलिक नंबर का होता है और दूसरा नंबर डायस्टोलिक का होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, इट वुड बी रिकॉर्डेड एज समथिंग 120 mmHg जो कि हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होगा, एंड 80 mmHg जो कि हमारा नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर होगा. ओके डियर स्टूडेंट, हाउ टू टेक ब्लड प्रेशर. प्लेस कफ ऑन द अपर आर्म विथ एरोज पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. तो देखें, इस ब्रेकियल आर्टरी से डॉक्टर्स हमारा ब्लड प्रेशर नोट करते हैं. ये हमारे अपर आर्म की जो ब्रेकियल आर्टरी है इससे ब्लड प्रेशर नोट किया जाता है. ब्रेकियल आर्टरी इज द मेजर आर्टरी ऑफ द अपर आर्म एंड इट इज यूज्ड टू नोट द ब्लड प्रेशर. आगे बढ़ते हैं. देन पंप द कफ अराउंड 180 टू 200 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पंप करना पड़ेगा. कहां तक, कौन सी फिगर तक पंप करना पड़ेगा? about 120 to 200 mmHg. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इस वाल्व को ओपन कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा ताकि ब्लड प्रेशर हमारा फॉल हो। व्हाइल लिसनिंग विद द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर हमारे हार्ट के साउंड सुनता है। ओपन द वाल्व, यहां पे इस वाल्व को ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है, रिलीजेस द वाल्व। एज द प्रेशर फॉल्स द नंबर ऑन द गेज विल ड्रॉप, जैसे ही ब्लड प्रेशर हमारा फॉल होगा तो गेज पे डॉक्टर्स हमारे फर्स्ट नंबर नोट करेंगे सिस्टोलिक प्रेशर का और दूसरा नंबर नोट करेंगे डायस्टोलिक प्रेशर का। नाउ लिसन विद द स्टेथोस्कोप, टू साउंड्स। द फर्स्ट साउंड यू हियर इज सिस्टोलिक प्रेशर, पहला जो साउंड होगा वो डिनोट करेगा हमारे, रिप्रेजेंट करेगा हमारे सिस्टोलिक प्रेशर को। दिस साउंड प्रोवाइड्स द सिस्टोलिक प्रेशर रीडिंग, डॉक्टर यहां पे हमारा सिस्टोलिक प्रेशर रीड करेगा और नोट करेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा साउंड डॉक्टर सुनेगा और उसके बाद साउंड स्टॉप हो जाएगा। व्हेन यू स्टॉप हियरिंग द साउंड नोट द नंबर ऑन गेज, तो जब बिल्कुल साउंड खत्म हो जाता है तो आपको नंबर नोट करना पड़ेगा गेज में। दिस इज योर डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये होगा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट्स हियर इज हाउ टू अंडरस्टैंड योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नंबर। नॉर्मल भी होता है और बढ़ भी जाता है। व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू? बिलो 120 mmHg। व्हाट इज एलिवेटेड वैल्यू? 120 to 129 mmHg। What is the first stage of high blood pressure? It is about 130 to 139 mmHg। हाइपरटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। स्टेज टू इज हाइपरटेंशन, व्हेन योर ब्लड प्रेशर इज हाई इट इज अबाउट 140 और मोर देन 140। और डियर स्टूडेंट्स सबसे लास्ट में, दिस इज व्हाट योर डायस्टोलिक प्रेशर नंबर मीन्स। नॉर्मल वैल्यू कितना होगा? लोअर देन 80 mmHg। स्टेज वन हाइपरटेंशन अराउंड 80 to 89 mmHg, and stage 2 hypertension more than 90 mmHg। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ब्लड प्रेशर को डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।